अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूँ शेफ मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अयूब फूड रेसिपी। अक्सर व्यूअर्स की शिकायत थी कि रसगुल्ले जो हैं वो ठीक उनके पास घर में नहीं बन सकते, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि रसगुल्ले किस तरह ख़राब होते हैं और किस तरह वो सेट किए जाते हैं ख़राब हुए। इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको अच्छी तरह वीडियो की समय लगे और आपकी चीज़ें भी ख़राब ना हों। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पनीर की जो रेसिपी है वो हमने पहले भी आपको वीडियो में दी है। ये भी पनीर की हमारी रेसिपी है। हम आज आपको बताएंगे कि पनीर जो है हमारा रसगुल्ले बनाने का जो तरीका है वो कैसा है। रसगुल्ले, काफ़ी व्यूअर्स कह रहे थे कि रसगुल्ले जो हैं वो हमारे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। कोई कहते हैं घुल जाते हैं, कोई कहते हैं अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखें हमारे पास ये गोलियां करने वाली मशीन है। ये ऊपर इसके हमने निशास्ता लगाया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर चेप होती है, नरम होती है, तो इसलिए हमें इसके ऊपर निशास्ता लगाना पड़ता है। ये इसके बेल्ट के ऊपर इस तरीके से आपने पहले हाथ से गोलियां कर लेनी है। जो इसको मिसाले हैं वो आपने हमने पहले भी वीडियो में बताए हैं। 1 किलो पनीर के रसगुल्ले बनाने की रेसिपी भी हमने दी हुई है और कमर्शियल रेसिपी भी दी हुई है। तो आज सिर्फ हम आपको दिखाएंगे कि आपके रसगुल्ले किस वजह से ख़राब होते हैं। ये हमारा पूर तैयार हो चुका है। इधर हमने चीनी ली, ये देखें इस तरीके से आप शीरे को तैयार करें। ये देखें ये इतनी तार होनी चाहिए, नरम चीनी में नहीं डालना। ये हमारा शीरा है, 20 किलो चीनी का शीरा हमने ये तैयार किया हुआ है। हम 5 से 6 किलो इसके अंदर एक पूर लगता है हमारा। ये अब हमने चीनी तैयार की थी तो ये हमने अब इसके अंदर पूर लगा दिया है। तो आज सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि रसगुल्ले किस वजह से ख़राब होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूर लगाया, इसको हमने लगाना है हरीठे का पानी, तो ये झाग बन जाती है हरीठे का पानी। वरना अगर आप चाहें तो लोग सर्फ़ भी लगाते हैं, आप क्या करें कि हल्की सी सर्फ एक्सल जो है वो हल्की सी लगा लें, इसमें असर नहीं होता, वो पकाई के अंदर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको रीठे का पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये लगा लें आप। ये देखें फ्लावट में आ रहे हैं। इसको जो जो मसाला लगाना है वो आपने क्या करना है, एक अच्छा पकाई के दौरान अगर ये पानी लगाया हमने इसको छाला, इसके ऊपर एक हल्का सा फुलका सा बनता है रसगुल्ले के ऊपर, हल्का सा फुलका सा बनता है, वो होता है छाला। वो किस वजह से बनता है, वो इस वजह से बनता है कि अगर जो हमारा रसगुल्ला है वो ज़्यादा तेज़ चीनी में पकाएं फिर भी वो फुलका सा बनता है, ज़्यादा आपने इसको निशास्ता या मैदा लगा दिया है ठीक है फिर भी छाला बनता है। अच्छा सख्त हो ठीक है, ये हार्ड हो रसगुल्ले हमारे, ये देखें ये ऊपर हल्का सा छाला है। तो इस तरीके से हम इसको पानी इसलिए लगाते हैं। और इतना नहीं लगाना आपने कि एक मसलन अगर आपने 1 किलो पनीर पका रहे हैं तो उसको आपने आधी डोरी लगानी है। छाला हो तो पानी लगाएंगे। दूसरा, पकाई के वक्त हम इसको पकाने जब पकाते हैं ना रसगुल्ले को, तो उस टाइम जब ये पकने पे आ जाता है उस टाइम लगाना होता है। अगर खस्ता हो तो आप इसको सूजी लगा लें, थोड़ी सी निशास्ता लगा लें अगर खस्ता हो। अगर जान में हो, सख्त हो कि छाला बन रहा है, आप इसको थोड़ा सा घी लगा लें, समझ आई, इसको आप घी लगा लें। अगर आप चाहते हैं, देखते हैं कि आपका जो रसगुल्ला है वो आप पकाई में खस्ता हो गया है तो आप उसको आग तेज़ कर दें और
आग तेज करें और क्या करें, उसके अंदर आप जो सूखी चीनी है वो लगा लें ऊपर, ठीक है, सूखी चीनी ऊपर हाथ से ना ऐसे ऊपर ऊपर इसके शीरे के ऊपर डालते रहें, तो वो आपकी चीनी तेज़ हो जाएगी, रसगुल्ला आपका टूटेगा नहीं, खस्ता नहीं होगा। ये देखें ये छाला है, ये हल्का हल्का छाला ऊपर नज़र आता है बिल्कुल फुल्का सा, इसलिए हम इसको पानी लगाते हैं। अगर छाला नहीं है फिर आपने इसको पानी एंड में लगाना है, तो पहले आपने इसको पानी बिल्कुल कम लगाना है, खस्ता हो तो पानी नहीं लगाना, समझ आई, खस्ता हो तो तेज़ चीनी में पकाएं, पानी नहीं लगाना आपने, और तेज़ चीनी में इसको आप पकाएं। 15 से 20 मिनट एक पूर लेता है बिल्कुल, जो ना खस्ता हो ना सख्त हो रसगुल्ला, तो वो लेता है 15 से 20 मिनट पकाई में शीरे में। जब आप शीरा तैयार करें आपने क्या करना है, 4-5 किलो चीनी ले लें 1 किलो पनीर में, और उसमें आपने 2 किलो 5 किलो में 2 किलो पानी डालना है, तो आपका ये पनीर पकेगा। पूर उतना लगाएं आप जितना आपकी चीनी है, ठीक है, 1 किलो पनीर को अगर आप 2 किलो चीनी में भी पका सकते हैं, पर उसको आपने क्या करना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, एक एक प्लेट उसमें डाल दें, थोड़ा थोड़ा डाल दें उसमें, ज़्यादा लगाओगे ज़्यादा पूर होगा तो वो खुल जाएगा, वो खस्ता हो जाएगा। जब पूर लगाते हैं, पूर लगाने के फौरन ही बाद आपने इसको पानी नहीं लगाना ना इसको हिलाना है, और आपने क्या करना है, आप जब ये फुलावट होगी ऊपर आ जाएगा, तो इसको इस डोरी की मदद से ऐसे हिलाएं जैसे हम हिला रहे हैं, ताकि घरों में आप चमचे के साथ भी हिला सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे हमारी डोरी है देखें, तो आप इसको उससे भी ला सकते हैं, ऐसे हिलाएं ताकि दाना टूटे भी ना और जो रसगुल्ला वो हिलता रहे, अगर हिलाओगे नहीं तो वो जुड़ जाएंगे। दरमियान में आँच होनी चाहिए, आग आपकी जो नीचे इसके दरमियान में हो, एक साइड पे नहीं लगना चाहिए पनीर आपका रसगुल्ले, तो बातों को समझ लें, इंशाल्लाह आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी, पनीर आपका ठीक होना चाहिए। ये ना हो पनीर आप बाज़ार से लें और पनीर में पानी हो, तो फिर आपका पनीर जो है वो छाला ज़्यादा मारेगा, और दूसरी बात ये है कि वो आपका पनीर ऊपर से छनेगा, पानी होगा सफाई भी नहीं होगी, रसगुल्ला भी ठीक नहीं आएगा। ये हमारा भी बाज़ारी पनीर है, ठीक है, हमारा पनीर भी बाज़ारी है, क्यों, क्योंकि इधर दूध ठीक अच्छे से दूध नहीं मिलते। अब रसगुल्ला आपका टूट रहा है अंदर से कच्चा है, तो फिर क्या मसला, ऊपर से टूट रहा है वो छाला बन रहा है और फट रहा है, ठीक है, अंदर से कच्चा है, ऊपर से बिल्कुल खस्ता हो गया नरम हो गया, अंदर से कच्चा है, तो आपने मसाला ज़्यादा लगा दिया। फिर आप उसको थोड़ा सा खुशक दूध लगाओगे घी में घोल के, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं रसगुल्ले को शीरे में डाल के, जिसमें हमने पूर को निकालना है, यहाँ चेक करेंगे रसगुल्ले को, देखेंगे अंदर से कच्चा तो नहीं है, इसको दबाएंगे, आपको हाथ से मदद हाथ की मदद से पता चलेगा कि ये रसगुल्ला हमारा कच्चा है या पक्का है अंदर से, ठीक है। यहाँ पे शीरे में नरम शीरा, ये बिल्कुल नरम शीरा है कि समझो 2 किलो चीनी में 2 किलो पानी है, ठीक है, ये देखें ये हल्का हल्का अंदर से कच्चा है, नज़र आ रहा है ना, बस ये चीज़ है, ये आपको आज की वीडियो बनाने का मकसद है, आपको ये समझाना ताकि आपकी चीज़ें ख़राब ना हों। तो इंशाल्लाह कोई भी मसला कोई परेशानी हो व्हाट्सएप पे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और 1 किलो पनीर को मैंने जो बताया निशास्ता 100 ग्राम, ठीक है, सूजी 50, मैदा 50 ग्राम, सूजी भी 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर की 1 चम्मच लगा लें बस, और थोड़ा सा बिल्कुल घी लगा लें, इसको घी अंदर से जो है ना वो भी इसको अंदर से वो खोल देता है, अंदर से अच्छी तरह पक जाता है। और दूसरी बात यह है जो हमारा होता है, और छाले के लिए भी घी अच्छा होता है, छाला मारे अगर आप चाहते हैं कि छाला मार रहा है देखते हैं, तो आप क्या करें उसको ऑयल लगा लें थोड़ा सा, 1 किलो को आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें 2-3 चम्मच, और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर वो पूर पका लें। एंड में जब पूर हमारा पक जाए इसको अच्छी तरह पानी लगाएंगे और इस हिलाएंगे, ठीक है, तो बाहर निकाल लेंगे।
15 मिनट से पहले अगर आपका पूर पक रहा है तो समझो वो खस्ता है, ठीक है, और 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो फिर वो जान में है, आप उसको मसाला लगाएं। तो हर वीडियो इंशाल्लाह आपको जो है हमारी समझाने वाली होती है, आपको दिखाने वाली, ये हमारा पूर जो है पक चुका है। 4 से 5 किलो जो रसगुल्ले हैं वो एक पूर के बनते हैं। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है हमारे चैनल पे 1 किलो पनीर की रेसिपी भी है रसगुल्ले बनाने की, और कमर्शियल रेसिपी भी है, मैंने उसमें मसाले बताए हैं। लोग काफ़ी इसको रंगोलेट वगैरह रंग कार्ड वगैरह भी लगाते हैं, तो अगर आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में लग रहा है कि ये नहीं, ठीक है, लगा सकते हैं, उससे चमक आती है बस, और कुछ नहीं। लेकिन आप घरों में बनाएं तो सिर्फ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लें, इलायची लगा लें, बहुत टेस्ट बनता है। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, तो फिर आपको कहीं पे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें हमारे जो रसगुल्ले, माशाल्लाह आप चेक करें, ये बाजारी पनीर है, कोई अपने दूध का नहीं है। बाजारी वो होता है जो हमारा उधर से डायरेक्ट आता है, और अपना वो होता है जो अपना दूध हम लेके वो फाड़ के उसका पनीर बनाते हैं, ठीक है। तो कभी हम ये नहीं हमारा बाजारी पकाते हैं, अपना भी होता है हमारे पास। कल की वीडियो हमने पनीर बनाने की, पनीर दूध से कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने कल वीडियो रेसिपी अपलोड की थी, वो भी जाके देखें, पनीर कैसे तैयार करना है, वैसे ही आप तैयार कर लें, अपना बेहतर है। तो कभी दूध नहीं मिलता, हम फिर बाजारी पकाते हैं, ये बाजारी की रेसिपी आपके सामने है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लगा लें 1 किलो पनीर को, ठीक है। सूजी मैंने जो बता दी है वो, और वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके, तो फिर इंशाल्लाह कोई भी मसला परेशानी नहीं होगी। ये देखें जी, मैं तुमको दाना तोड़ के दिखाता हूँ। अब अंदर से ये देखें बिल्कुल पक चुका है, अंदर से कच्चा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अंदर से रेजा रेजा है। आप भी ऐसे ही बनाएं, हमारी रेसिपी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारे रसगुल्ले कमर्शियल पके पड़े हैं, आपको एक पूर पकाने की मैंने सारी डिटेल बताई है। कोई अगर ना समझ लगे तो हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल तावन करेंगे, और हमारे हक में दुआ करें ताकि अल्लाह हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे, दुनिया जहान की कामयाबियां नसीब हों। आप भी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।